हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अपना ये अपराजिता का प्लांट जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसे सीड से लगाया था और किस तरह से मैं इस पौधे की केयर कर रही हूँ, कितने दिनों में ये पौधा इतना बड़ा तैयार हो जाता है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने सीड्स ले रखे हैं और इन्हें मैं लगा दूँगी। ये अपराजिता के ही सीड्स हैं और ये सॉइल मिक्स मैंने तैयार किया था, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल को मिक्स करके, और थोड़ा सा इसमें साफ का फंगीसाइड भी यूज़ किया है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, इस सॉइल मिक्स को मैंने तैयार करने का पूरा प्रोसेस शेयर कर रखा है। तो सीड को लगाने के 15 से 20 दिनों बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से पौधा जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें जो लीफ हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। तो सीड को लगाने के बाद आपको उसमें हल्की सी नमी बनाकर रखना है, इसीलिए कोकोपीट वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि जो सीड है उसमें हल्की सी नमी बनी रहे और अच्छे से सीड का जो अंकुरण है वो स्टार्ट हो सके। तो जब इसमें जो पत्तियां हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएं तब आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे रिपोर्ट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो इस पौधे को मैं 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगा रही हूँ। आप इससे बड़े भी कंटेनर में लगा सकते हैं क्योंकि ये बेल वाला पौधा होता है, तो जितनी ज़्यादा इसकी रूट्स अच्छे से फैलेंगी उतना ही अच्छे से ये पौधा ग्रोथ करेगा, उतनी ही अच्छी इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। इस पौधे को लगाने के लिए मैंने सिंपल सी मिट्टी तैयार की है। इसमें मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, रेत मिक्स किया है ताकि मिट्टी वेल ड्रेन तैयार हो। थोड़ा सा सर्फ का फंगीसाइड यूज़ किया है और काउडंग मैन्यूर इस पौधे को लगाते वक्त मैं डालूँगी। तो इस पौधे को जर्मिनेट होने में 15 से 20 दिन लगे और इतना बड़ा पौधा तैयार होने में कम से कम 8 से 10 दिन लग गए। तो लगभग एक महीने में आपका पौधा इस तरह से तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ। एक ग्रो बैग में इस तरह से मैंने होल कर लिया है और काउडंग मैन्यूर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर जो भी है आप मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पौधे के रूट्स कुछ इस तरह से बनी हुई हैं और बहुत ही हल्के हाथों से आपको निकालने के बाद इस तरह से रख देना है और धीरे धीरे करके आपको जो ग्रो बैग की मिट्टी है उसे इस तरह से पौधे पर डाल देना है चारों तरफ से, और डालने के बाद हल्के हाथों से ही इसे हल्का सा दबा देना है तो पौधा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो जो मैंने मिट्टी यूज़ की थी सीड को लगाने के लिए उस मिट्टी को मैंने बिल्कुल भी निकाला नहीं है। आपको ऐसे ही उसी मिट्टी के साथ इस तरह से लगा देना है पौधे को और लगाने के बाद एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देना है। तो ये काम आपको या तो शाम के समय करना है, जब भी इस तरह से किसी भी पौधे को आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो शाम के समय करें, या फिर सुबह धूप तेज होने से पहले आप ये काम कर सकते हैं। दोपहर में आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। दोपहर में अगर आप इस तरह से पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा पूरी तरह से ट्रांसफ़र शॉक में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कोकोपीट थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया था ताकि मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। इस पौधे को हल्का मॉइस्चर पसंद रहता है। वैसे तो ये पौधा बहुत हार्डी होता है, अगर आप एक दिन इसे पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये पौधा ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं और 20 से 25 दिन बाद का मैं आपको ये अपडेट दिखा रही हूँ। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने इसे फुल सनलाइट में ही रखा हुआ था और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से पौधा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अभी जैसे ही मई जून की गर्मियां स्टार्ट होंगी तब मैं इसे ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इस पौधे को आधे दिन की धूप मिले। तो वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है लेकिन मई जून में आपको थोड़ा सा इस पौधे को बचाना होता है, फिर जैसे ही बारिशें वगैरह स्टार्ट होंगी तब आप इसे फुल सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। तो 25 दिन हो गए हैं इसे ट्रांसप्लांट किए हुए और तब से लेकर अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे आज इसकी गुड़ाई वगैरह करके
एक बार काउडंग मैन्योर मिक्स कर दूंगी। उसके बाद 2 महीने तक मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। मई जून की जो गर्मियां होती हैं उसमें हमें इन पौधों को फर्टिलाइज़र देने से बचना होता है। आप अप्रैल मंथ तक अपने जितने भी पौधे हैं उन्हें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और वैसे भी ये पौधा बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 1 से 1.5 मंथ के गैप में भी अगर इसे कोई भी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से मैंने काउडंग मैन्योर ले लिया है। कम से कम 2 से 2.5 मुट्ठी मैं इसमें काउडंग मैन्योर मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, फर्टिलाइज़र देने का काम हो या पौधे की रिपोर्टिंग हो, आप अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी सुबह का समय है और बहुत हल्की धूप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है काउडंग मैन्योर और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। और अब मैं इसमें एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी। तो अभी मैं वाटरिंग सुबह ही कर रही हूँ, एक समय ही सारे पौधों को वाटरिंग करती हूँ, शाम के समय अभी वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब इन सभी पौधों को, मेरे पास जितने भी प्लांट हैं, मैं सभी पौधों को दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ। और तेज़ गर्मियों में मैं ज़्यादातर अपने पौधों पर शावरिंग ही करती हूँ। मिट्टी में डायरेक्टली पानी देने के बजाय मैं पौधों को नहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पौधों पर आप अच्छे से शावरिंग कर देंगे तो ये पौधे तेज गर्मी से बचे रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसमें वाटरिंग भी कर दी है। तो अभी बहुत ही तेज़ी से इस पौधे की ग्रोथ होगी और कुछ दिनों बाद मुझे इसे किसी चीज़ का सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि इसकी बेल अच्छे से ऊपर की तरफ चढ़ सके। तो ये जो पौधा आप देख सकते हैं मेरा पुराना अपराजिता का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। इसमें भी अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह दिया है और ये पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। विंटर सीज़न में पूरी तरह से पौधे सूख जाते हैं। कुछ इस तरह से इस पौधे की आप देख सकते हैं कंडीशन हो जाती है। जो अभी मैंने पहले आपको पौधा दिखाया ये वही पौधा है, इसकी कुछ इस तरह से हालत हो गई थी। अभी तो इसमें 1-2 लीफ दिखाई भी दे रही हैं। विंटर सीज़न में पूरी तरह से लीफ गिरा देता है, आपको लगेगा कि पौधा मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पौधा दोबारा से सीज़न आते ही इसमें नई लीव्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो बात करें अगर इस पौधे की केयर की तो मैंने इसमें किसी भी तरह की कोई भी केयर नहीं की थी। सिर्फ इसमें जो वीड्स वगैरह हैं उन्हीं को मैंने हटाया था और अच्छे से गुड़ाई वगैरह कर दी थी। कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था क्योंकि जब मैंने इसकी गुड़ाई वगैरह की थी तब मेरे पास कोई फर्टिलाइज़र था नहीं। और बिना फर्टिलाइज़र के और बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के ये पौधा बहुत अच्छे से मेरा रिवाइव हो गया था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें घास वगैरह निकल आई थी जिसे मैंने बस गुड़ाई करके सब हटा दिया था। और इसी पौधे से मैंने कुछ सीड्स हार्वेस्ट किए थे जिसे मैंने आपको लगा करके दिखाया है। तो ये एक तरह का परमानेंट प्लांट होता है और इसी तरह से जब भी विंटर सीज़न स्टार्ट होते हैं तो थोड़े बहुत समय के लिए डोरमेंसी पीरियड में रहता है, उसके बाद वापस से ये इसी तरह से हरा भरा हो जाता है। तो इसमें फ्लावर बनते हैं और फ्लावर को आपको समय समय पर हटाते रहना है वरना इसमें फलियां बनने लग जाती हैं। और फलियां जब बनती हैं तो ये पूरी एनर्जी इन फलियों को सीड को बनाने में लगा देता है। तो इसलिए आपको इसके फ्लावर रिमूव करते रहना है, जो सूखे फ्लावर हैं उनको हटाते रहना है। तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाएगा और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मेरे इस नए पौधे में जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगी और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो इसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।